आज हम वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे एक छोटी सी प्रोजेक्ट के बारे में। हमने इससे पहले आपके साथ वर्कबुक के बारे में बताया था, राइट सर? तो हम वर्कबुक से रिलेटेड ही प्रोजेक्ट करेंगे। हमने बात की थी आपके साथ कि भाई चार मेंबर होते हैं, मेन होते हैं एप्लीकेशन, दूसरा मैंने बताया आपको वर्क बुक्स, तीसरा मैंने बताया था सीट्स, और चौथा हमारा था रेंज। ठीक है, तो एप्लीकेशन हम फिलहाल स्किप किए हुए, हमने वर्कबुक पढ़ा था, तो आज हम सीट पढ़ेंगे। लेकिन सीट पढ़ने से पहले हम एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो प्रोजेक्ट क्या है, पहले आप प्लॉट को समझिए, क्योंकि मैंने बताया था सबसे पहले एनालिसिस होता है प्रॉब्लम को समझना। जब तक प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं तब तक आप उसका कोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिंपल सी कहावत है ना सर, आवश्यकता है आविष्कार की जननी है। तो सबसे पहले आवश्यकता को समझना होता है तभी तो आविष्कार करेंगे जी। तो क्या है कि मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, मान लीजिए अमेडियस या सेवर नाम का सॉफ्टवेयर है जो कि इसमें यूज होता है एयरलाइंस में। मुझे उनसे डेटा डाउनलोड करना होता है, तो सॉफ्टवेयर डेटा तो एक्सेल में देता है, लेकिन उनका कहना है कि भाई मैं एक्सेल फाइल क्रिएट नहीं करूंगा, आप मुझे एक्सेल फाइल लोकेट कर दो, हम उसके अंदर जाके डेटा डाल लेंगे। बात समझ में आया सर जी? सो मैं आप होता है हम लोग क्लिक किया और एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाता है, तो वो बोलते कि नहीं नहीं एक्सेल फाइल डाउनलोड नहीं होगा, आप मुझे एक्सेल फाइल लोकेट कर दो कि हाँ फलाने इस फाइल में डेटा चाहिए। तो क्या करेगा, सारा डेटा को उस फाइल के अंदर में कॉपी पेस्ट कर देगा। ठीक है, तो हमें डेली बेसिस में डेटा चाहिए होता है, तो हमने एमेडियस में एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि एक ड्राइव के अंदर तुम डेट वाइज हमारा सेग्रीगेटेड है वहां पर जाके डाल दो, तो हमें फाइल लोकेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक ढूंढ लेता है। अच्छा, तो हमें क्या करना होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने एफ ड्राइव उसको लोकेट करवा दिया हुआ है, ठीक है, एफ ड्राइव उसको, एफ ड्राइव मैंने छोड़ देता हूँ, जी ड्राइव करता हूँ, जी ड्राइव हमने लोकेट करवा दिया, ठीक है, जी ड्राइव के अंदर महीना लेगा ये जो फाइल कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट हटा देता हूँ, बाकी सारे फाइल काम के नहीं है, एफ ड्राइव में डाल देता हूँ। जी ड्राइव में 2022 में ईयर चल रहा है, तो हमें 2022 का क्या करना है, फोल्डर बनाना है, 2022 का फोल्डर बनाना है। मैं बना देता हूं, राइट क्लिक किया, न्यू, यहां पे फोल्डर 2022 दे दिया। अब 2022 के बाद महीना कौन सा चल रहा है, दूसरा महीना चल रहा है। अगर दूसरा नाम का फोल्डर हुआ, नंबर की फोल्डर है, एग्जिस्ट है तो ठीक है उसी में डाल दे, नहीं एग्जिस्ट है तो फोल्डर बना दे। तो न्यू, यहाँ पे फोल्डर, और यहाँ पे हमने टू कर दिया, ठीक है। आज डेट क्या है, आज डेट 26 है, तो यहाँ पे 26 का फोल्डर है तो ठीक है, अदरवाइज 26 का फोल्डर इसके अंदर दो नाम के टू फोल्डर में बना दे, और इस 26 के अंदर जाए और एक एक्सेल फाइल को जनरेट करें, और यहाँ पे 26 या फिर जो डेट है मतलब जैसे चाहिए होता है नाम डाल दो। तो अगर फोल्डर पहले से है तो हमें फोल्डर नहीं बनाने हैं जी, समझ गए, उसी के अंदर जाने हैं। अगर फोल्डर अवेलेबल नहीं है देन हमें फोल्डर बनाना है, ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? यस यस, चलिए आगे बढ़े जी। अब इसी कोड को हमें करना है, तो हम सबसे पहले एफ ड्राइव का जो फोल्डर है 2022 का, इसको हम डिलीट कर देते हैं, और हम जाते हैं कहां पे, अपनी कोडिंग में, यहाँ पे सब्जेक्ट, क्योंकि जब तक सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो माइक्रो नहीं चलेगा। माइक्रो का नाम मेरा यह है फर्स्ट प्रोजेक्ट है ना हमारा सर, क्योंकि हम लोगों का फर्स्ट प्रोजेक्ट बनता है, लाइक ओपन क्लोज। उसके बाद हमें सबसे पहले पता करना होगा कि सिस्टम डेट कैसे निकालें। तो एक्सेल में जिससे क्या होता है, टुडे का फॉर्मूला होता है ना सर, टुडे का फॉर्मूला क्या करता है, सिस्टम डेट देता है, उसी तरह से एक्सेल में डेट का फॉर्मूला होता है, लेकिन मुझे डेट नहीं चाहिए, इसमें से ईयर चाहिए, तो हम लोग ईयर का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या ईयर अलग हो जाता है, यहां भी हम ईयर के फॉर्मूले के अंदर में डेट डालेंगे।
अब प्रॉब्लम होती है कि इसका वैल्यू स्टोर कहाँ होगा, इसी यहाँ पे ईयर फॉर्मूले की वैल्यू स्टोर कहाँ हो रही है, वी फोर पे, एक एड्रेस है ना सीट वन के वी फोर पे, बट यहाँ तो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हम वेरिएबल लेंगे वाई इक्वल टू, तो वाई क्या हो गया, जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग एक्स वाई जेड लेते हैं, ऐसे यहाँ भी हम ले सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स या डेटा टाइप्स, या कह सकते हैं टेम्परली सेविंग लोकेशन, ठीक है, डेटा सेविंग लोकेशन, क्लियर है जी। फिर एम इक्वल टू हमने यहां पे लिया मंथ, मंथ इसके अंदर डेट, फिर यहां पे डी इक्वल टू डे डेट, तो हमारा सिस्टम डेट से आ गया ईयर मंथ डे, क्योंकि हर दिन चेंज होगा, राइट सर। फिर हमारे पास होता है एम के डी आई आर, एक फंक्शन होता है जो कि फोल्डर क्रिएट करता है, बस आपको फोल्डर का पाथ देना है कि किस फोल्डर में आपको क्रिएट करना है, मेक डायरेक्टरी। तो हमने यहां पे दिया कि जी ड्राइव में देना है, कौन सा फोल्डर, 2022, फिर 2022 का फोल्डर बना देगा, फिर मैं बोला कि मुझे 2022 के अंदर दो नाम का फोल्डर बनाना है, तो ये बना, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे बोला कि 2022 के अंदर दो के अंदर 26 नाम का फोल्डर बना देना है, तो 26 नाम का फोल्डर आपने देखा यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन आता है सर, क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पर ये है, क्योंकि ये तो मैनुअल हो गया ना, हमें तो ऑटोमेशन करना है ना, 2022 की जगह पे हम कॉन्केट कर देंगे वाई को, कर दिया सर, वाई कॉन्केट कर दिया। अब ये वाई कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जी ड्राइव यहाँ रखा हुआ है एक्सेल में, और ये 2022 है वहां पे ऊपर में, है ना सर। हमने क्या किया, हमने इसको लिया और कोलकाता नेट के जगह पे इसको ले लिया, हो गया 2022, समझे, समझ आया सर कि नहीं आपको जी। अब 2022 के जगह पे फिर वापस हमें नीचे क्या चाहिए, यहां पे हम लेते हैं कॉपी, वाई और यहां पे हम कर देते हैं एम, यहां आ गया एम, ठीक है, इसको कॉपी करके यहां पे पेस्ट करते हैं, और यहां एंड में यहां हम दे देते हैं डी, जी सर। फोल्डर बनाने पे फोल्डर क्लिक करने पे फोल्डर बना देगा। अब हम फाइल क्रिएट करना है, तो हमने यहां पे लिखा वर्क बुक्स डॉट एड, और पता है ना कि एड करते इसको सेव करना है, तो सेव, और इस पाथ में करना है, तो इस पाथ में करना है, ठीक है, एंड स्लैश डी फिर एन डॉट एक्सएलएसएक्स। अब इसमें कंफ्यूजन हो गया शायद आपको, एक मिनट, इसमें क्या आपने ऊपर के तीनों का प्लस कर दिया ना, एंड कर दिया, क्या हुआ कि जी हो गया, ये 2022 हो गया, ये आपका दो हो गया, ये आपका टी हो गया, तो यहां तक तो आपका पाथ हो गया, ठीक है, ये आपका फाइल नेम हो गया, आपका एक्सटेंशन हो गया, मतलब जब कंबाइन होगा ना सर, तो कुछ इस तरह से होगा कि जी
स्लैश वाई स्लैश वाई मतलब 2022 वाई हो जाएगा 2022 स्लैश यहाँ पे स्लैश एम हो जाएगा 2 फिर स्लैश और आपका 26 हो जाएगा स्लैश 26 डॉट एक्सएलएस समझे जी क्लियर हुआ सर ऐड करेगा अब ऐड हुआ तो क्लोज भी करना पड़ेगा यहां लिखेंगे एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज इक्वल टू ट्रू ठीक है रन हो गया बट ये एक फाइल ए जो है एक बार चलेगा दूसरा नहीं चलेगा सर देखिए रन करता हूं डॉट सेव एज होगा माफ कीजिए यहां पे छोटी सी गलती कर दी मैंने चल गया अब दोबारा ये फाइल नहीं चलेगी यहां पे क्या एरर आया फाइल एक्सेस एरर क्यों ऑलरेडी एग्जिस्ट है जी हाँ क्योंकि 2022 का फोल्डर है इसके अंदर आपका 2 है उसके अंदर 26 का और 26 के अंदर आपका क्या है 26 नाम का फॉर्म फाइल है तो इसमें क्या करना होगा हमें एक फॉर्मूला अब याद रखिएगा हमेशा यहां पे आप दे दीजिएगा ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट ठीक है ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट नेक्स्ट इसका क्या मतलब होता है मतलब ये हुआ कि जिस लाइन में एरर होगा ना उसको स्किप करके अगला चल जाए मान लीजिए पहले लाइन में एरर होगा 2022 का फोल्डर नहीं है तो इसको स्किप करके यहां बढ़ जाएगा इसमें एरर हुआ इसको स्किप करके यहां बढ़ जाएगा तो एरर क्यों आएगा पता है हमें कि यहां एरर इसलिए आएगा क्योंकि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है समझे और इसको लिखना कहां पे ये वाला ऊपर ही लिखना है कि लास्ट में जहां जहां टाइप करेंगे ना उससे नीचे का देखिए यहां पे क्या होता है स्टेप बाय स्टेप चलता है लाइन में लाइन तो पहले ऊपर का लाइन चलेगा फिर नीचे का लाइन लिखेगा जहां एरर आया उससे नीचे नहीं चलेगा तो जिसके बाद आपको लगता है कि एरर आ सकता है उसके ऊपर डाल दीजिए अच्छा ठीक है ना इसके ऊपर अगर एरर आता है तो कंसीडर नहीं करेगा ये लेकिन नीचे एरर आता है तो कंसीडर कर लेगा उसको स्किप कर देगा ठीक है तो ये स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद हाँ स्टार्टिंग में लिख सकते हैं या डिसाइड कर लीजिए कि एरर इसका यूज वहां पे करता है जहां पे हमें पहले से पता हो कि इस सिचुएशन में यहाँ एरर आएगा समझ गया ना अभी जैसे कि ये फाइल ऑलरेडी 26 की मतलब सेव है बट हमको 26 में दो फाइल बनानी है तो इसमें अपन फिर कैसे कर सकते हैं 26 में दो फाइल बनानी है तो फिर 26 के अंदर डेट जो है आपका वो चेंज करना पड़ेगा ना नाम यहाँ डेट यहाँ पे हाँ तो उसको फिर वेरिएबल कैसे जैसे कि ऑलरेडी अगर 26 डिफाइन है तो उसको एक्सटेंड करके एक और बना दे मतलब ऐसा कुछ कर सकते हैं तो फिर उसके लिए दूसरा चीज करना पड़ेगा उसके लिए फिर आपको एक फॉर्मूला चलाना पड़ेगा इसका DIL फंक्शन का जिससे वो चेक करेगा कि फाइल है या नहीं अगर फाइल होता है तो देन वो एक वेरिएबल ऐड कर लेगा तो वो थोड़ा सा आगे चलेंगे इसमें इफ कंडीशन वगैरह सब लगेगा सर तो अभी आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा फिर ठीक है वो भी करेंगे चिंता मत कीजिए ठीक है अब हम बात करेंगे सीट ये तो समझ में आ गया आपको कोई दिक्कत नहीं इसमें एक बार मैं रन करके देखूं क्या सर 2 मिनट देंगे तो हाँ मैं 2 मिनट वेट करता हूँ कीजिए एक बार मैं क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट 2 मिनट में एक बार चेक कर लेता हूँ अब हम बात करेंगे सीट्स के ऊपर हमने रेंज को वर्कबुक को पढ़ लिया हम बात करेंगे सीट्स देखिए सीट्स जो है सबसे पहले जानते हैं सीट की कॉलिंग मेथड अभी अभी इसमें वर्कबुक और वर्कबुक्स कहाँ पे बुक्स लगाना हो कहाँ पे बुक लगाना हो बुक्स ही रहता है किसी पे वर्कबुक नहीं लगता है सब जगह बुक्स ही लगता है अच्छा सब जगह वर्कबुक्स ही रहेगा ना ठीक है तो सीट्स की बात करें नहीं जैसे कि इसमें है ना मैं आपको बताता हूँ जैसे एक्टिव वर्कबुक आ गया लास्ट वाला जो क्लोज किया एक्टिव वर्कबुक में आपको एक्टिव वर्कबुक्स नहीं करना एक्टिव वर्कबुक होगा एस मतलब कि कई सारे बुक यस 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 पर्टिकुलर ओके तो एक्टिव वर्कबुक एक पर्टिकुलर वर्कबुक है ना ठीक है और बुक्स मतलब हो गया कि कोई वर्कबुक डिफाइन नहीं है ठीक है सर ठीक है यस
यस सर, आगे बढ़े। यस यस, अब यहां पे बात करते शीट्स के ऊपर। तो शीट्स को कॉल करने के लिए क्या होता है, नाम होता है शीट्स। शीट्स में अब देखिए सीट के दो नाम होता है, कैप्शन नेम एंड प्रॉपर्टी नेम। तो यहां पे दिख रहा है सीट वन और ब्रैकेट में सीट वन है, तो ब्रैकेट का जो सीट वन है वो क्या है आपका कैप्शन नेम, और यहां पे सिलेक्ट या एक्टिवेट कर सकते हैं, सिलेक्ट या एक्टिवेट। तो सीट ए कर दिया तो क्या करेगा, कहीं भी रहेगा तो वापस सीट वन पे चला जाएगा, समझ गए। अगर मैं सीट वन का नाम यहां पे लिख दिया जैन, जैन कर दिया ना सर, तो सीट वन वर्क नहीं करेगा, मुझे यहां पे अब जैन लिखना पड़ेगा तब जाके वो वर्क करेगा। क्लियर है सर? करेक्ट सर। अब यहां ये हो गया। अब इसमें जो बात हम करते हैं वो करते हैं कि एक और नेम है प्रॉपर्टी नेम सीट वन डॉट सिलेक्ट। तो सीट वन डॉट सिलेक्ट क्या हो गया, सीट वन कौन सा सीट वन हुआ, यहां जो ब्रैकेट से पहले आपको दिख रहा है इसको प्रॉपर्टी नेम कहते हैं। इसको जो है यूजर चेंज नहीं कर सकता, यूजर इसको प्रोग्रामर ही प्रॉपर्टी में जाकर चेंज कर सकता है, समझ गए। क्लियर है? मतलब यहां पर चेंज करके मंथ कर दिया तो मंथ कर दिया तो फिर सीट वन वर्क नहीं करेगा। अब मुझे यहां पर क्या लिखने पड़ेंगे, मंथ। सीट के दो नेम होते हैं पता चल गया आपको, एक कैप्शन एक प्रॉपर्टी। हाँ, और दोनों के जरिए कॉल कर सकते हैं। बट इसमें पहले वाले में प्रॉब्लम क्या, जेन में अगर नाम चेंज हुआ था तो मैं तीनों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, और भी सीट वन में यहाँ पे जैसे हम सीक्वेंस जा सकते हैं, हमने कर दिया टू डॉट सेलेक्ट, तो टू मतलब सीक्वेंस पहला दूसरा। अब सीट नाम से कोई मतलब नहीं है, प्रॉपर्टी नेम से मतलब नहीं है, सीक्वेंस लेके चल रहा है, राइट सर। आता है एक्टिव सीट, एक्टिव सीट। तो चारों में से कोई एक हम यूज करेंगे, जैसे हम वर्कबुक और एक्टिव वर्क में से कोई एक यूज करते थे, राइट सर। यस यस सर। तो अब कब यूज करेंगे, देखिए जब आप मां आपको पता है कि आपका नाम फिक्स है, जैसे कि समरी रिपोर्ट डैशबोर्ड ऐसे फिक्स नेम है, सीट वाले ही आपकी चेंज हो रही है, ठीक है। सीट भले ही आपका चेंज हो रहा है बट नाम फिक्स है तो ये लेके चलते हैं। दूसरा आता है कि हमारा सीट का नेम रिनेम होता है, जैसे मंत्री बच्चे अभी जैन है कल इसको चेंज करके हम फैश कर देंगे, फिर मैं अगले महीने इसको मार्च कर देंगे, समझ ना। लेकिन सीट फिक्स है कि क्या होता है कि जैसे सीट डिलीट होता है वैसी प्रॉपर्टी नेम चेंज हो जाती है। जो सीट बार बार डिलीट होती है तो उसका कैप्शन नेम के अकॉर्डिंग चलना होगा, कैप्शन नेम फिक्स रखना पड़ेगा। लेकिन जिसका कैप्शन नेम बार बार चेंज होता है बट सीट फिक्स है, उसके लिए हमें उसकी प्रॉपर्टी नेम को लेकर चलना पड़ेगा, और जहां दोनों में से कोई पता नहीं है वहां पे उसके पोजिशन नेम को लेकर चलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक फोल्डर है, फोल्डर में मान लीजिए 20 फाइल है, 200 फाइल का पूरे सीट का डेटा उठाना है, हर फाइल के अंदर क्या प्रॉपर्टी नेम है क्या कैप्शन नेम पता नहीं, तो हम यहाँ सीक्वेंस नंबर चलते हैं, भाई सारे उठा लो, वन से लेके सीट डॉट काउंट लगेगा, काउंट लग के जब काउंट आएगा पांच सीट है तो 1 2 3 4 5 पांच उठा लेगा। तो वहां पे हम सीट का नंबरिंग सिस्टम लेके चलते हैं। और एक्टिव शीट जो सामने विजुअल है, सीट टू विजुअल है, इट मींस एक्टिव शीट सीट टू होगा, तो एक्टिव शीट से चलेंगे, जैसे हमने यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक से किए हैं। कुछ और इसमें सर? नो सर, क्लियर। अब बात करते हैं सीट पर क्या क्या कर सकते हैं, जैसे सीट नई सीट इंसर्ट करनी है तो यहाँ लिखेंगे शीट्स डॉट एड, एक नई सीट एड हो जाएगी, लेकिन कहाँ, जो एक्टिव सीट है उससे पहले। लेकिन मैं चाहता हूं सीट को ऐड करना किसी पर्टिकुलर सीट के बाद या पहले, किसी पर्टिकुलर सीट के बाद या पहले, उसके लिए यहां पे देना पड़ेगा आफ्टर, आफ्टर आ गया सर, या फिर हम क्या कर देंगे स्पेस कॉमा शीट थ्री। सीट थ्री को ऐसे सीट थ्री नहीं लिखेंगे, वो हम जहां भी सीट का नाम देना है इस नेमिंग मेथड के थ्रू ही देना है, ठीक है सर।
हम नेमिंग मेथड कोई भी चूज कर सकते हैं, तो सीट तीन के बाद ऐड कर देगा। पहले ऐड करना है तो यहाँ पे एक कॉमा हटा दीजिए, बाद में ऐड करना है कॉमा के बाद। राइट सर? यस यस। अब सीट ऐड करके नाम देना है तो आप कर सकते हैं एक्टिव शीट डॉट नेम, जैसे कि कोई फाइल जब ऐड होती है वही सेव होती है, ऐसी जो सीट ऐड होती है वही सेव होती है, वही एक्टिव होती है सॉरी। तो डॉट नेम इक्वल टू डेटा, लेकिन मुझे पता है कि डेटा नाम का सीट ऐड ही करना है तो हम यहां पे डायरेक्टली लिख देंगे सीट्स डॉट ऐड डॉट नेम इक्वल टू डेटा, तो डेटा नाम का सीट ही वो ऐड करेगा। ठीक है सर? तो डेटा नाम का सीट ही ऐड करेगा। अब डेटा नाम का सीट हमारा ऐड हो गया, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें। मुझे सीट को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, रिनेम कर दिया। अब बात करते हैं सीट को मूव करना, कि हमें एक सीट से दूसरे सीट की तरफ मूव करना है, जैसे उठा कर होता है ना यहां से लेके यहां रख देते हैं। हाँ, आगे पीछे करना। हाँ, तो उसमें होता है sheets dot move। अब यहाँ ध्यान रखिएगा sheet dot move लिख के छोड़ दिए, लेकिन sheet कौन सी sheet, तो sheet का नाम define करना होगा या number देना होगा, अभी जो method ऊपर बताया मैं चारों में से कोई एक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जैन कर दिया, तो जैन dot move, तो move कर दिया तो क्या होगा, ये move ऐसे नहीं होगा, एक ये move कर देगा यहाँ मूव एंड कॉपी में जाके एक नई वर्कबुक में मूव कर देगा। लेकिन मूव मुझे इसी सीट में करना है सीट थ्री से पहले, तो मुझे यहां पे देना पड़ेगा यहां पे बिफोर सीट सीट थ्री, तो सीट थ्री से पहले मूव करेगा। राइट सर? यस सर। अब कॉपी करना चाहते हैं आप तो शीट्स जैन को कॉपी करना है, या फिर इसकी प्रॉपर्टी नेम से भी चल सकते हैं, मंथ देते हैं यहाँ पे मंथ डॉट कॉपी। अगर कॉपी करके छोड़ दिया तो क्या होगा, एक नई फाइल में कॉपी कर देगा। लेकिन अगर मुझे मान लीजिए अब किसी के बाद करना है या पहले करना है, तो आफ्टर यहाँ पे जिसके पहले करना है शीट्स, मुझे करना है शीट टू के पहले, यहाँ पे शीट टू का नेम सीट का जो नेमिंग मेथड है उसके थ्रू डाल देंगे। सही, मंथ डॉट कॉपी क्या किया आपने? मंथ ये है ना, जैन सीट का प्रॉपर्टी नेम मंथ है ना सर? अच्छा हाँ, यस। हमने प्रॉपर्टी नेम ले लिया। यस यस यस, समझा समझा। राइट सर? हम्म। अब सीट मुझे डिलीट करना, हमने कॉपी मूव एंड कॉपी सीख लिया, अब मुझे इसको डिलीट करना है। हम्म। वो जिस सीट को डिलीट करना है, मंथ को मान लो डिलीट करना है मुझे, जैन को मतलब, मंथ से प्रॉपर्टी नेम है। हम्म। मंथ डॉट डिलीट, लेकिन डिलीट सिर्फ लिख देंगे दिक्कत होगा, क्योंकि जब डिलीट होता है ना सर, जैसे राइट क्लिक डिलीट करेंगे आप, पूछेगा आपको पॉपअप आ जाएगा, तो जब तक डिलीट पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक नीचे कोड रन नहीं करेगा। जब भी आप डिलीट का माइक्रो यूज करें तो उसके ऊपर एक कोड जरूर लगाए, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट, नहीं माफ कीजिएगा, फंक्शन गलत दे दिया मैंने, माफ कीजिए, दिमाग में और भी था, डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, अलर्ट इस माइक्रो के लिए इस लाइन से नीचे जितने भी अलर्ट आएंगे उसको क्या कर देगा, इग्नोर कर, फॉल्स कर देगा। तो हमने सीट को डिलीट कर दिया, सीट को मूव कर लिया, सीट को कॉपी कर लिया। अब अभी मुझे बताइए कि ये सिर्फ अभी जैसे एप्लीकेशन डिस्प्ले अलर्ट फॉल्स है, ठीक है, और ये डिलीट हो गए, बट मेरे को आगे जाके ये ऊपर वाला एप्लीकेशन को मतलब सिर्फ इसी मंथ डॉट डिलीट के लिए चेंज, ऐसा आपको ऐसा लगता है ना सर, इसी के नीचे डिलीट के नीचे आप कर दीजिए इसको ट्रू, लेकिन ये जो सेटिंग होती है ना एक ही, ऐसा नहीं कि परमानेंट सेट हो जाता है, सेटिंग सिर्फ एक ही मैक्रो के लिए, जो मैक्रो आ रहा है ना इसी के लिए होता है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अब हम बात करते हैं सीट को हाइड करना, तो मंथ डॉट विजुअल विजुअल इक्वल, अब इसका तीन, इसमें तीन चीजें हैं सर, पहला है हिडन, हिडन कर दिए तो नॉर्मल हिडन करता है, जो जल्दी हम लोग करते हैं राइट क्लिक हाइड कर दिए, तो कोई भी
अनहाइड कर लेगा, उसको कोड की नहीं है, रिव्यू की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने यहां पे दिया मंथ डॉट विजुअल इक्वल टू वेरी हिडन, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि इसको अनहाइड करने के लिए उसके सीट के प्रॉपर्टी पे आके यहां से इसको विजुअल करना होगा। नॉर्मली कोई यहां से अनहाइड नहीं कर सकता, या फिर प्रॉपर्टी में जाके हाइड करेगा, अनहाइड करेगा, या फिर उसके लिए कोड माइक्रो बना के कोड लिखेगा विजुअल इक्वल टू एक्सेल सीट विजुअल, तब जाके विजुअल होगा। समझ गए? मतलब ये वेरी हिडन वाला जो है ये बाहर, हाँ बाहर किसी को दिखेगा ही नहीं कैसा वो शीट है, बट अगर वो वीवीए के अंदर जाएगा फिर उसको ये सब दिखेगा, वो कहाँ से कर सकता है। वीवीए के अंदर आप चाहते कि वो ना जाए तो टूल्स में जाइए, वीवीए प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज, यहाँ पे प्रोटेक्शंस, लॉक एंड पासवर्ड डाल दीजिए। बगैर पासवर्ड के वीवीए में जा ही नहीं पाएगा। एक्सेल यूज कर लेगा लेकिन वीवीए के लिए पासवर्ड चाहिए। क्लियर सर? ठीक है, तो अभी हमने जो सीखा वो यही सीखा। इसमें आप कुछ और सीट के साथ कुछ और तो नहीं करते ना सर? हाँ, सीट के साथ एक और करते हैं प्रोटेक्ट। यहाँ पे मंथ डॉट प्रोटेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। बाकी जो है उसमें ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स कर सकते हैं, अगर चाहिए जरूरी है तो। ठीक है, तो पासवर्ड लगा वापस अनप्रोटेक्ट करना है तो मंथ डॉट, मैं मंथ लगा रहा हूँ, अगर कुछ भी लिख सकते हो जो सीट का क्वालिटी डेट 1 डेट 2 या जो भी आपने बताया वो जैन करके जो भी अनप्रोटेक्ट करते, तो सीट में एजेंडे में यही करते हैं ना सर। अभी ये जो है ना मंथ डॉट, मंथ डॉट के बाद जो ऑप्शंस आते हैं तो उसका कोई लिस्टिंग रहता है कि जैसे एक्टिव शीट किया तो कौन-कौन से ऑप्शंस रहते हैं? मैंने बताया था ना कल आपको, जो लिस्टिंग है सब में सेम आएगा, एक्टिव शीट पे भी सेम आएगा, शीट्स पे भी सेम आएगा, मंथ भी सेम आएगा। अच्छा, क्योंकि जो मेंबर है वो सीट से रिलेटेड है। सीट का कॉलिंग मेथड होता है, चार कॉलिंग मेथड है, चारों में से कोई एक यूज करेंगे, डॉट डॉट के बाद जो लिस्ट है चारों पे सेम आएगा। हाँ नहीं, मैं यही बोलता था कि मतलब ये डॉट के बाद जो लिस्ट आती है ना, तो मैंने आपको जो वर्कबुक का लिस्ट बताया था ना तरीका ढूंढने के लिए हेल्प से, उसमें आप वर्कशीट देख लीजिए। नहीं, ये वो बाबा उधर जाके कोई एक पर्टिकुलरली लिस्ट है कि इसके सामने इसके ये है डॉट के बाद एक्टिव शीट के पास में साथ ये मेंबर्स हैं या ये मतलब, तो मैंने बताया ना आपको, मैंने लास्ट क्लास में जो वर्कबुक के लिए बताया था हेल्प से निकालना, उसी पेज में आपको इसका सीट का भी दिख जाएगा पूरा लिस्ट। ठीक है ठीक है ठीक है ना, ठीक है। तो अभी क्या करें, इस सारे कोड को एक एक करके आप वन बाय वन करके प्रैक्टिस करें जी, ठीक है। कुछ इसमें एडिशन करना चाहे तो कुछ छोटी मोटी एडिशन कर सकते हैं इससे पहले के जो क्लासेज है उससे, और इसको तैयार करें। फिर कल जो है हम इस पे आपको एक प्रोजेक्ट और बताएंगे जैसे कि मैंने यहाँ बताया। ठीक है ठीक है, नहीं तो मैं क्या